नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम ट्रेंड इन कमोडिटीज में। आज के इस शो में हम कमोडिटी मार्केट की पांच बड़ी खबरों के साथ साथ सोयाबीन के आउटलुक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है कमोडिटी मार्केट की अब तक की पांच बड़ी खबरें। अचानक बड़ी गर्मी से गेहूं का उत्पादन हो सकता है प्रभावित। सरकार के सेकंड एस्टीमेट के हिसाब से गेहूं का उत्पादन 110 से 112 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है, लेकिन अचानक टेम्परेचर जो कि फेब्रुअरी 30 के ऊपर जा चुका है वो कहीं ना कहीं गेहूं की यील्ड के लिए कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान बेल्ट में। मार्च में जैसे कि वेदर एजेंसी का अनुमान है टेम्परेचर नॉर्मल से अबव रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली बैक टू बैक सेकेंड ईयर वीट का क्रॉप इंपैक्ट हो सकता है। फिलहाल बम्पर उत्पादन की वजह से हमने वीट का प्राइस जो कि इस साल रिकॉर्ड हाई बनाया था 3250, वहां से टूटते हुए 2500 के नीचे फिसल चुका है। और इस साल में अब तक जनवरी 2023 से टिल नाउ प्राइस में 14% का गिरावट देखने को मिली है। गवर्नमेंट के सेकंड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से सरसों का उत्पादन बम्पर हो सकता है। सरकार का ऐसा मानना है कि इस वर्ष मस्टर्ड सीड यानी सरसों का उत्पादन 12.82 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है। वेल, हमारा ऐसा मानना है कि उत्पादन कहीं ना कहीं 12 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास रहेगा, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड रहेगा। इतना वृद्धि होना करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से लॉजिकल नहीं लगता है, बट स्टिल Nonetheless, we are going to have a bumper crop. इसकी वजह से हमने देखा है कि मस्टर्ड में इस साल 13% की गिरावट आई है अब तक। जीरा में रिकॉर्ड हाई से हमने 20% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। दरअसल वीक बल्क डिमांड और नई क्रॉप के आवक के चलते मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर। अराइवल्स आने वाले टाइम में फर्दर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम प्राइस में फर्दर करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली NCDEX ने 2.5% का एडिशनल मार्जिन को एक्सटेंड किया है, जिसकी वजह से भी हमने डेरिवेटिव मार्केट के अंदर सेलिंग को गहराते हुए देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के चलते धनिया का प्राइस डेढ़ साल में पहली बार 7000 के नीचे। अराइवल्स डोमेस्टिक मार्केट में काफी बढ़ चुकी हैं और इस मंथ के एंड तक काफी बढ़ेंगी राजस्थान के अंदर। यही एक कारण कि प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन बेहतर रहने की संभावना से हमने पहले ही प्राइस में 12000 से 7000 का करेक्शन आते हुए देखा है। ग्वार में उठापटक जारी, फेब में अब तक 5% की गिरावट। प्राइस 6150 से टूट कर अभी 5850 पर ट्रेड कर रहा है। आइए अब हम कमोडिटी आउटलुक सेगमेंट के अंदर जानते हैं सोया मील का कैसा रहेगा ट्रेंड आने वाले समय में। रॉबस्ट एक्सपोर्ट डिमांड के चलते हमने भाव में तेजी आते हुए देखी है और भाव 50,000 के ऊपर अभी चल रहे हैं। सोया मील ने फेब में अब तक 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। अगर हम सी बोर्ड की बात करते तो वहां पर 1 ईयर के हाई पे प्राइस चल रहे हैं। बता दें कि ऐसा मानना है एक्सपर्ट का कि ऑनगोइंग ऑयल ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट सोयाबीन का डबल हो सकता है पैरिटी एंड एक्सपोर्ट डिमांड के चलते, और जो कि 14 लाख टन को छू सकता है। हायर अराइवल्स के चलते इस साल हमने सोया मील के प्रोडक्शन में वृद्धि आती हुई देखी है। हायर सप्लाई की वजह से प्राइसेस काफी कॉम्पिटेटिव है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहेगी आने वाले समय में। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जैन मंथ के अंदर 103% से एक्सपोर्ट बढ़ा है YOY बेसिस पे, और अगर ऑयल ईयर की बात करते हैं सो फार अक्टूबर से लेकर जनवरी तो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है 6,31,000 टन्स का, जो कि 65% अप है फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जैसा कि सभी जानते हैं सोयाबीन लाइव स्टॉक फीड एंड पोल्ट्री फीड में मेनली यूज होता है, और इंडिया का जो सोया मील है वो नॉन GM है और जो कि प्रोटीन रिच कंसीडर किया जाता है। अगर हम सोया मील के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैन मंथ के अंदर प्रोडक्शन 8,84,000 टन का रहा, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर से 47% से ज्यादा है। साइमल्टेनियसली इस ऑयल ईयर के अंदर अब तक प्रोडक्शन हो चुका है 3.5 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि YOY बेसिस पे 52% ज्यादा है। हायर सोयाबीन अराइवल जो कि आगे भी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं उसके चलते प्रोडक्शन अच्छा रहने की संभावना है सोया मील का इस साल, और यही एक कारण है कि एक्सपोर्ट डिमांड को वो सपोर्ट करेगा और आने वाले टाइम में हम सोया मील के प्राइस में फर्दर तेजी आते हुए देखेंगे। आज के ट्रेडेड कमोडिटीज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कमोडिटी मार्केट की पांच बड़ी खबरों के साथ किसी एक कमोडिटी के डिटेलिंग आउटलुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।